मुकेश शर्मा जी के पास चलते हैं। मुकेश शर्मा जी, उनका कहना है हर्षवर्धन जी ने बेहतरीन काम किया था, लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाना है, इसलिए नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। उनकी असफलता नहीं थी, लेकिन नई पीढ़ी को मौका देने के लिए परिवर्तन किया है। आप क्या बीजेपी प्रवक्ता के इस तर्क से सहमत है? मैं दीपक जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आज हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलकर ये सकारात्मक डिबेट करवा रहे हैं आप। आपका धन्यवाद, आपको सलूट। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, हर्षवर्धन जी मेरे साथ 15 साल विधायक रहे दिल्ली विधानसभा में। मुझे भाजपा के प्रवक्ता से और प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना है कि यदि हर्षवर्धन जी, पूरी सरकार कहती रही कि सरकार ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, नड्डा जी भी कहते हैं काम किया है, तो हर्षवर्धन जी को जिस तरीके से बेइज्जत करकर मंत्रिमंडल से निकाला गया है, या तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट करे कि कोरोना काल में सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। जो गंगा किनारे लाशों के अंबार लगे हुए थे वो सरकार का निकम्बापन था, लोगों को दवाई, बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके लिए सरकार जिम्मेदार थी, और वो सारा ठीकरा केवल एक आदमी को, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पर वो ठीकरा फोड़ दिया गया। मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूं कि आप दीपक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे भाई की तरह हैं, मैं आपको आज कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप भक्त नहीं हैं, आप पत्रकार, आप अनभक्त नहीं हैं, आप अपने टेलीविजन चैनल पर एक पोल करवाएं। इस देश की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री बदले, ना कि मंत्रियों को बदलने की जरूरत थी। आज देश प्रधानमंत्री को बदलने की मांग कर रहा है, जिस प्रधानमंत्री की वजह से आज पेट्रोल के दाम आसमान में चले गए हैं, जिस प्रधानमंत्री की वजह से आज डीजल के दाम आसमान में चले गए हैं। और अगर हर्षवर्धन अच्छा काम कर रहे थे तो अशोक प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आज आसमान के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, नए मंत्री साहब ने भी दिल्ली को सीएनजी और पीएनजी देश को रेट बढ़ाकर जो आज नए मंत्रिमंडल ने तोहफा दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी साहब आपका। सवाल इस बात का है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री लगा दिया, इसका मतलब शिक्षा को भी आप गरीबों की पहुंच से दूर करना चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे जनाबे आली, आज इंजन को बदलने की जरूरत थी, ठीक है, आपने डब्बे बदल दिए। आप एक प्रधानमंत्री की नाकामी को छिपाने के लिए, ठीक है, सीधे यही सवाल गुरुप्रकाश जी से पूछते हैं। गुरुप्रकाश जी बताइए, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए आपने बेइज्जत करके डॉक्टर हर्षवर्धन को निकाल दिया, यह कहना है मुकेश शर्मा जी का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। मुकेश जी जवाब लेते हैं आपके सवाल का। जैसे आदमी को जलील कर दिया है। नहीं नहीं, देखिए देखिए मुकेश जी, जरा सुन लीजिए मुकेश जी आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आपको हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुन रहे थे। आमतौर पर आप संवेदनशील बातें करते हैं, लेकिन आज सतही बातें लग रही हैं आपके शब्दों से। मुझे हर्षवर्धन जी से ही आपका अचानक ये जो प्यार जागा है, इसके पीछे का क्या कारण है हमको समझ में आ रहा है। आप प्रधानमंत्री बदलने की बात करते हैं, भाई 135 करोड़ लोगों अब आप बीच में बोले, मैं आपसे युवा हूँ, मैं आपसे कम उम्र का हूँ लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ। मैं आपसे कम उम्र का हूँ लेकिन मैं बीच में हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा, ना मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ।